अभी अपने ऑफिस की छत पे खड़ी हूँ एंड इट्स लाइक 3:55 ओके शाम हो रहा है. आज बारिश हुई है, दोपहर में काफ़ी बारिश हुई है. कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी. तो मैं आज अच्छा लगा वेदर, बहुत मस्त, बहुत सुबह से बादल गरज रहे थे तो फाइनली रेन्ड इन द आफ्टरनून. अभी मौसम काफ़ी ठंड है, काफ़ी मस्त है. और मैं अपने ऑफिस में थी, ऐसे मौसम में ऑफिस में ज़्यादातर बैठने का मन नहीं करता. कि जिन लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कितने मस्त मौसम में यू नो या यू हैव टू बी देयर इनसाइड अ रूम, यू आर लाइक लॉक्ड अप इन अ रूम और आप बाहर नहीं जा सकते एंड दिस इज़ योर डेली लाइफ, डेली मंडेन लाइफ. वो कहते हैं ना एंग्जाइटी दौड़ा, वो पड़ता है क्या आप लोगों को मेरी तरह? कभी कभी लाइक मुझे ना कभी कभी होता है कि इट्स लाइक एंग्जाइटी दौड़ा फॉर मी यार, कि मैं कर क्या रही हूँ अपने लाइफ के साथ. 20-25 years पढ़ाई में बीत जाती है, पहले स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन. जिन लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जैसे कि मैंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जॉब, वही लाइक 9 to 5 या फिर 10 to 7 की जॉब रहती है. लाइक डजंट इट गेट बोरिंग? एक मतलब वही रूल वाली लाइफ हो जाती है क्या यार? इसके बाद मतलब घर जाओ, सुबह उठो, ठीक है 9 बजे 10 बजे तक निकलो घर से, ऑफिस पहुँचो, फिर से वही 6-7 बजे तक काम करो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर लाइक 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द सॉरी नॉट कैमरा इट्स कंप्यूटर, क्योंकि मैं IT में जॉब करती हूँ. तो 9 to 10 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वही काम, वही सेम टू सेम सब कुछ हर रोज़, वही एक रूटीन में. बोरिंग नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है. कभी कभी मैं सोचती हूँ यार क्या कर क्या रही हूँ, मैंने लाइफ में किया क्या अभी तक. इतनी इयर्स पास हो गई, इतनी एज इतनी नहीं हुई फिर भी हुई है जब ये एज हो गई, लेकिन मैंने अभी तक अचीव क्या किया अपनी लाइफ में. कभी कभी सोचती हूँ तो रियली डिप्रेसिंग लगता है. आप लोग क्या करते हो जब ऐसा फीलिंग आती है, मतलब लाइफ में लगता है कि यार इतने दिन इतना काम तो कर लिया, अचीव क्या किया लाइफ में, क्या मिला क्या? व्हाट डू यू पीपल डू? बताओ ना मुझे, कमेंट करो कमेंट बॉक्स पे, बताओ कि क्या करते हो. मैं यहाँ कलकत्ता में मैं देखती हूँ लोगों को इधर बस में या लोकल ट्रेन में देखा मंदे ऑफिस आते हैं, जिन लोग कितना मुसीबत झेल के इन लोग ऑफिस आते हैं. ट्रेन में, लोकल ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यार पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती. बसेस में लोग हैंग करते हैं, कभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो भी. बसेस में कितनी गंदी तरीके से यू नो दे आर रिस्किंग देयर लाइफ एंड दे आर हैंगिंग ऑन दी डोर्स, वैसा करके लोग ऑफिस आते हैं. एंड लाइक ऐसे बीत जाती है लगभग 30 साल तो बीत जाती है ना, 30-40 years यू कैन वर्क टिल 60 राइट. तो उतने एज तक यू वर्क लाइक दैट एंड देन यू ग्रो ओल्ड. अल्टीमेटली जब सोचते हो कि यार किया क्या मैंने, मैंने बहुत तो उसे सुना, बहुत एल्डर पीपल से मैं बात करती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार लाइफ तो ऐसे ही बीत गई, कुछ करने को हुआ नहीं, कितना कुछ मन था ये करूँ वो करूँ, लाइक लाइफ में कुछ अचीव करूँ, कुछ करूँ अपने मन का कुछ करूँ, बट नहीं कर पाया, यही जॉब, यही फैमिली लाइफ, सब कुछ उसी में चला गया. तो सीरियसली नहीं, कितनी हमारी लाइफ कितनी कितनी एक ही बोरिंग पेज में चलने वाली हो जाती है. कि बचपन से हमारा कितना रूल सेट हो जाता है कि वंस यू आर बॉर्न देन यू नीड टू गो टू प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल, देन नीड टू गो टू सेकेंडरी स्कूल, देन हायर सेकेंडरी, कॉलेज करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, देन हैव अ जॉब, गेट मैरिड, हैव किड्स, देन यू आर वर्किंग फॉर 60 years ऑफ योर लाइफ एंड देन यू रिटायर एंड ग्रो ओल्ड अल्टीमेटली. मतलब हाँ, लेकिन जो लोग जो ये सोचते हैं एंड टेक स्टेप्स टिल द टाइम इज देयर, वो कुछ ज़रूर करते हैं. बहुत से लोग हमें आजकल दिन में YouTube में मिलते हैं, ऐसा YouTube क्यों, अगर हम लोग बाहर भी जाएँ तो हमें वो दिखते हैं कि दे हैव डन समथिंग विद योर लाइफ राइट. कैसे करते हैं वो, कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं उन लोग? कभी कभी मैं सोचती हूँ
ईदर यू हैव टू टेक दैट रिस्क विथ योर लाइफ कि यार नहीं, मैं इस नॉर्मल लाइफ, मैं इस नॉर्मल जो यू नो जो कि एक सेट हो चुकी है सबके नज़र में, वो लाइफ छोड़ के बाहर आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट. अगर हम लोग वो रिस्क नहीं लेना लाइफ में तो आई डोंट थिंक कि हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे, है ना. यू हैव टू बी दैट डेयर डेविल, आई थिंक सो. वरना और फिर टाइम 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 बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब लाइफ में जब तक टाइम है आपके पास, आप लोग सोचो कि मुझे ये स्टेप लेना है तो मुझे लेना है. एंड आई थिंक रिस्क टेक लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेके डिसाइड कर लेना कि हाँ एक बार लेके देखते हैं क्या होता है, वो गट्स वाली चीज़ भी शायद मैटर करती है. व्हाट डू यू से? फ्यू पीपल आर देयर, आई नो कि फ्यू पीपल आर देयर जिनको ये रूल ठीक लगती है, यही जो लाइफ की रूल है, दे हैप्पी विथ इट. हो सकता है अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ. तो जिन लोग मेरी तरह बोर हो जाते हो, मॉन टेल मी हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस बोरिंग थिंग. मतलब क्या करते क्या हो? आई नीड टू गो बैक नाउ. काम करते करते थोड़ा सा मन के बाहर से घूमाऊँ. आज बहुत मस्त मौसम है बाहर का भी. शाम के वक्त भी इट्स लाइक वाह, हवा चल रही है. छत पे आ गई इसलिए मैं, कभी कभी छत पे आना अच्छा लगता है. तो आई नीड टू गो बैक ना, काम है. बट हाँ, प्लीज़ बताओ मुझे. एंड हाँ, पॉजिटिवली सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. चलो बाय, एंड टिल देन कीप ऑन रिंग एंड स्टे हैप्पी. बाय.